दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक और अच्छे वीडियो में। और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं बरबट्टी की खेती के बारे में। जो बरबट्टी आप लोग सब्जियों में खाते हैं ना, वो एक बहुत अच्छे किस्म की फसल होती है। ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद फसल होती है। अगर आप फार्मर हैं तो इसकी खेती भी ज़रूर करते होंगे। दोस्तों इसमें क्या क्या कठिनाई आती हैं, क्या इसमें समस्याएं हैं, क्या पैदावार है, कैसी इसकी क्वांटिटी है, इस बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। दोस्तों हमारे साथ में जो फार्मर हैं ये है लल्लू प्रताप, और इन्होंने किया है ये बरबट्टी की खेती। तो बहुत अच्छी खेती है, बहुत अच्छे जो हम लोग देखते हैं पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप मुझे ये बताइए कि ये बरबट्टी लगाने का आइडिया आपको कहाँ से आया, कि आपने इससे पहले भी बहुत सारी खेती की, करेला लगाया आपने, खीरा लगाया, तो बरबट्टी आपको कैसा लगा, ये मतलब लगा करके आपको क्या लगा कि ये बहुत अच्छा कमाई हो सकता है इस पर? जी अगले साल लगाया था एक फसल बरबट्टी का, इसी कंपनी का लगाया था जी बरबट्टी, तो पैदावार अच्छे से अच्छा हुआ था अगले वर्ष। हाँ तो अभी कितने दिन का हो गया ये बरबट्टी? ये बरबट्टी लगभग 40 दिन हो रहा होगा, 40 दिन हो रहा। अभी फूल आने शुरू हुए हैं, किसी किसी में हम लोग देख रहे हैं। हाँ। ये फूल आने शुरू हुआ, तो इसको क्या ज़रूरत है, ये मल्चिंग ड्रिप और ये आप लोग जो ये मचान बनाए हैं खूटे लगा करके, इसकी क्या ज़रूरत है इसमें? मल्चिंग का, हाँ मल्चिंग का ही है, इसमें घास नहीं उगता है। अच्छा, जो भी आप खाद डालते हैं उसका असर पौधे को मिलता है? हाँ पौधे को मिलता है, घास नहीं उगता है, प्लस इसका नमी को बचा के रखता है, नहीं उड़ता है जल्दी। अच्छा, तो ये तीनों फायदे हैं इसके मल्चिंग लगाने से जी। और क्या लगता है आपको जो पौधे में जो आपने ये दिया है हाइट करने के लिए जी, इससे आपको फायदा मिलता है? जी हम मिलता है, फल सीधा सीधा होता है, फल बिल्कुल सीधा होता है, जो अच्छे रेट में भी बिकता है जी। दोस्तों मैं इनका परिचय एक बार बता दूं वीडियो के बीच में, कि ये एमए हैं और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में ये खेती के लाइन पे आए हैं और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये पूरे यहाँ पे जो एरिया है करीब 7 से 8 एकड़ में ये खेती कर रहे हैं। तो वैरायटी के बारे में हम लोग बात करें तो कौन सा वैरायटी है ये? बरबट्टी ये नामधारी का है। अच्छा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है? अच्छा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा लंबा लंबा फलता है। अच्छा जी, और बात करें हम लोग आपके लागत की, तो लगभग कितना आप लगाए होंगे इसमें पूंजी? बरबट्टी में सिर्फ 50,000 आसपास लगा होगा, मर्चिंग ड्रिप सब बांस उस खरीद के सब मिला के। तो ये तो आपको दोबारा भी यूज़ हो जाएगा ना, जो ये खूटे हैं जी जो बांस लगे हुए हैं, ये तो एक बार और आप यूज़ कर सकते हैं कई बार? बांस तो अभी 2-3 बार और यूज कर सकता हूँ। अच्छा लल्लू जी, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने लगाया इसमें करीब 50,000 रुपये का पूंजी जी, उम्मीद कितना कर रहे हैं अगर आप बताना चाहें, कि अगर भाव अच्छा मिलता है या एवरेज मिलता है जी, तो लगभग आप उम्मीद कितना कर रहे हैं इस फसल से? अच्छा रेट मिलता है इसमें तो ये बरबट्टी में हम लोग को 1,00,000 से ऊपर ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिल सकता। यानी कि मिनिमम डबल तो होना ही है जी, और उससे कम में आपको नुकसान जैसा साबित होगा, लगेगा कि नुकसान हुआ है जी जी। तो ये सारे इसमें खाद वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिटेल करिए, कि इसमें जनरली जो खाद है वो कौन सा लगता है अभी जो चल रहा है? हाँ, जो खाद आपने इसमें दिया होगा अभी जो चल रहा है वही 1261 चल रहा है। हाँ 1261 और 1919 जी। ये आप उस पे देते हैं ड्रिप पे? ड्रिप में देता हूँ, ड्रिप के माध्यम से आता है। हम लोग इसके पत्ते को अगर देखें तो ये पूरा स्वास्थ्य पत्ता है जी, एकदम स्वास्थ्य है। अच्छा, इसको अभी कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें जो परेशानी आती है वो क्या है? ये कीड़ा का परेशानी आता है पत्तों में जी, और फूल पे भी कुछ आता होगा कीड़ा का, और माहौल लगता है इसमें बहुत ज़्यादा। उसके लिए कौन सा दवाई आप चलाते हैं इसमें? यानी 10 दिन हुआ इसके बाद मैं बिनेबिया को चलाया, इसके बाद माहौल के लिए वो आपने चला दिया? पूरा काम करता है बिनेबिया। अच्छा, पूरा भी कोई भी अगर कीट पतंगी लगते हैं इसमें? पूरा काम करके देता है बिनेबिया, इसके बाद 2 बार चलाना रहता है जी जी, 15 या 20 दिन के बाद फिर बिनेबिया को ही चलाना पड़ता है, इसके बाद इसमें कोई बीमारी नहीं आता है। अभी इसमें कोई बीमारी नहीं है, सारे पौधे स्वस्थ हैं जी। और लगभग इसमें अभी कितने दिन में फ्रूटिंग चालू होना है? जैसे इसमें हम लोग कहीं कहीं फूल देख रहे हैं आने चालू हो गए हैं। लगभग यानी 2 सप्ताह में, यानी लगभग 15 दिन के आसपास में यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि फूल इसमें लगने शुरू हो गए हैं। 15 दिन के आसपास में फलना स्टार्ट हो जाएगा। फलना स्टार्ट हो जाएगा।
दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी बरबट्टी के फसल से रिलेटेड। अगर कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, हम लोग कोशिश करेंगे इनसे फिर से मिलेंगे और वो सारी जानकारी हम इकट्ठी करके वीडियो पे लाएंगे। आप एक बहुत अच्छे फार्मर हैं और सबसे अच्छी बात की बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो फार्मिंग को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, तो इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं फार्मिंग को लेकर, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ करिए, और मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।